और राहुल गांधी पर मायावती ने हमला किया है, डॉक्यूमेंट्री जारी करने पर एक बड़ा हमला किया, प्रवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस कसूरवार है और लंबे शासनकाल में भी सही व्यवस्था नहीं की, तो ये इस वक्त की अहम खबर। राहुल गांधी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है, प्रवासी उसे मिलने की, उन्हें मदद पहुंचाने की, इस पर मायावती ने सियासी सवाल खड़े किए हैं और मायावती ने कहा है कि प्रवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस कसूरवार है, लंबे शासनकाल में भी सही व्यवस्था नहीं की गई। तो असल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने अपने राज्यों की ओर लौटने को मजबूर हो गए। ऐसे में राहुल गांधी ने 16 मई को दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास कुछ मजदूरों से बात की थी, जिसकी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। 17 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में राहुल ने गरीबों के साथ उनके दर्द को साझा किया और अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो शेयर किया है। तो एक दिन मिलने पहुंचे, उसमें 17 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी तैयार हो गई और मायावती ने इस पर निशाना साधा है। सियासत किस तरीके की अब होने लगी है, सीधे रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, लगातार प्रवासियों के दर्द पर राजनीति जारी है, खासतौर से कांग्रेस वो हर कुछ करने की कोशिश कर रही है जिससे उनकी छवि बेहतर बने। अब डॉक्यूमेंट्री पर मायावती ने सीधा निशाना साध दिया, किस तरीके की सियासत अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, दरअसल राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या कांग्रेस, इसके लिए विपक्ष की जो असली भूमिका है वो मायावती निभा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ या अमित शाह या नरेंद्र मोदी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल मायावती एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं कि जो प्रवक्ता क्या वार करेंगे या दूसरे दलों के लोग कांग्रेस पर जिस तरह से वार कर सकते थे उससे ज्यादा मायावती कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता या किसी बड़े मंत्री का आपने बयान नहीं देखा होगा अभी इस तरह तरीके से जिस तरीके से मायावती राहुल गांधी के वीडियो पर या प्रियंका गांधी की बस की राजनीति पर उन्होंने ट्वीट करके जिस तरीके से घेरा था राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को जिस तरह से, उस तरीके से जो भूमिका निभाया जा रहा है, आप देखे होंगे कि राहुल या प्रियंका की या कांग्रेस के किसी भी गतिविधि पर सबसे ज्यादा कोई हमलावर है तो वो मायावती है। ये राजनीति का एक अलग समीकरण है और जब यूपीए की सरकार थी तो इसी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से वो सरकार चल रही थी, यानी बहुत सारी सहयोगी दल थे, उसमें बसपा भी एक सहयोगी दल थी और जिसकी भूमिका थी सहयोग करने की और वो यूपीए की 10 साल की सरकार रही है। लेकिन राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं और ऐसे में राहुल और प्रियंका पर कोई भी ऐसा वार, तीखा वार भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, न योगी जी को करने की जरूरत पड़ रही है, न मोदी जी को करने की पड़ रही है। मायावती मोर्चा लेकर खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या दूसरे दलों के लोग अभी पीछे हैं, मायावती आगे हैं। एक तरह से हम कहें कि राजनीति में लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में मायावती काम कर रही है, हालांकि कोरोना काल में। बिल्कुल वीरेश जी, हमारे साथ बने रहिए, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी की डॉक्यूमेंट्री पर उन्होंने कहा है कि जो प्रवासियों की आज दुर्दशा है उसके जिम्मेदार कांग्रेस के लोग हैं और आज डॉक्यूमेंट्री पेश की जा रही लोगों के सामने। अखिलेश जी सुन पा रहे हैं क्या? तो अखिलेश प्रताप जी से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से मायावती, ठीक है, अखिलेश जी का एक बार रुक कर, अखिलेश जी सुन पा रहे हैं क्या? जी जी बताएं। अखिलेश जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो राहुल गांधी जी ने एक डॉक्यूमेंट्री शेयर की है उस पर उन्होंने सियासी वार किया है, वो बोल रही हैं कि प्रवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस कसूरवार है, लंबे शासनकाल में सही व्यवस्था नहीं दी और आज डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं तो हर किसी को पता है कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी जब साथ परेशानी में खड़ी होती है तो मायावती जी अपने राजमार्ग के अंदर से प्रेस नोट जारी करती है जी। और कोई राहुल गांधी यदि किसी से मिलते हैं, किसी की तकलीफ सुनते हैं, किसी की परेशानियों को समझते हैं और उसकी मदद करते हैं तो ये जो मालूम परेशानी होना स्वाभाविक है। डॉक्यूमेंट्री में
क्या ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी किसी से ना मिलें, किसी गरीब की सुध ना लें, किसी के पास ना जाएं, किसी की राय ना पता करें कि वो क्या क्यों हुआ ऐसा, क्यों इस तरह पैदल चल रहा है, क्यों जाना चाहता है, वो क्या महसूस करता है, इस बारे में ना जाने। वो जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, उनकी सुध बुध लेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ना उनकी बात नहीं करेंगे, उनके विचारों को नहीं समझेंगे, उनके कारणों को नहीं समझेंगे, आप कैसे आगे की रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन अगर मायावती बीजेपी के बी टीम बन रही है तो उसके पीछे क्या सियासी वजह हो सकती है? सियासी वजह तमाम होती है, राजनीतिक भी होते हैं, कोई और भी कारण हो सकते हैं, ये बी टीम ही के तो काम है। अरे भाई, आपको किसने रोका है? आप भी जाके मिलिए, आप भी लोगों की बात करिए, लोगों की मदद करिए। गरीब की मदद करना, गरीब के साथ खड़े होना, किसी ने किसी को रोका तो है नहीं। राजनीति में जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनका यही तो धर्म है जी, गरीब के साथ कोई समस्या है तो उसके साथ खड़े होइए, रहिए, सरकार को उसकी इतला करिए, सरकार को चेताइए, जगाइए कि ये समस्या है, इसको दूर करें। बिल्कुल, शुक्रिया अखिलेश जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, अखिलेश जी ने भी खुलकर कहा कि मायावती बी टीम की तरह काम कर रही है, बीजेपी की यानी कि बसपा बी टीम की तरह काम कर रही है। क्या प्रवासियों पर राजनीति के बीच एक नया बवंडर इस बी टीम के नाम से ही खड़ा होगा, क्योंकि ये ए बी और सी वाला मामला छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने खूब देखा है। देखिए, ए बी सी या जो भी हो, लेकिन राजनीतिक इस पेंच में तो मजदूर और प्रवासी, जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, जो कामगार हैं, वही फंसे हुए हैं। चाहे वो बसों की बात कर लीजिए, या राहुल गांधी के सोशल मीडिया पे वीडियो डालने की बात कर लीजिए, या टैक्सी या स्कूटर के नंबर की बात कर लीजिए, कुल मिला के राजनीति तो गरीबों पर ही हो रही है। बिल्कुल, गरीबों पर हो रही है। और इसी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से मायावती ने राहुल गांधी की डॉक्यूमेंट्री पर निशाना साधा, अब कांग्रेस खुलकर कह रही है कि ये केवल लोगों को बहकाने वाली बातें हैं, दरअसल बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। ये बी टीम कहां से आ गई आपकी? ऐसा है कि ये तो कहेंगे ही, समझौता गठबंधन बीएसपी के साथ में कांग्रेस करेगी। 2019 के चुनाव को कोई भूला है क्या कि 2019 में कौन किसका बी और ए सी टीम थी? कांग्रेस की टीम थी क्या उस गठबंधन में? जी ठीक है, चंद्रमोहन जी हमारे साथ बने रहिए। सतीश प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, बसपा प्रवक्ता हैं। सतीश जी, जो आपकी सुप्रीमो ने राहुल गांधी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठाए हैं, अब कांग्रेस कह रही है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो, इसमें बी टीम और ए टीम का मतलब नहीं है। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी का माइग्रेशन आजाद भारत में इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं हुआ है, और मजदूरों की चर्चा जो है, आपको आपने कोटा की चर्चा कराई, आपने बसों की चर्चा कराई। मेरा कहना यह है कि देखो, मजदूर सड़क पे क्यों है? मोदी जी ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी गई। अगर उनकी नौकरी गई तो कुछ लेबर कानून भी है ना। अगर लेबर कानून है तो नेचुरली जो है, कोई भी फैक्ट्री का मालिक किसी भी आदमी को एक दिन में बाहर नहीं निकल सकता, है ना। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से यह उम्मीद करती है कि वो बड़ा विपक्षी दल है, उसकी तरफ से यह उम्मीद की जाती है कि जब मजदूरों को मजबूर किया जा रहा था, फैक्ट्री से बाहर निकाला जा रहा था, ऐसे समय में उसको राजनीति ना करके मजदूरों के पक्ष में बोलना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहिए था कि कोई भी फैक्ट्री मालिक, जब आपने ये कहा था कि फैक्ट्री कारखाने के लोग पैसे देंगे, लॉकडाउन के दौरान पैसे देंगे, आपने क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को कहा कि भाई इन लोगों को पैसे दिलवाइए, और 3 महीने की इनको सैलरी क्यों नहीं उठाने की बात कर रही है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नहीं चाहती, वो भी उद्योगपतियों के साथ है, उसकी नेचर भी है, उसका इतिहास है, इस बात के लिए है ना, मजदूरों के पक्ष की। मजदूर, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना कीजिए, लेकिन ये ऐसे समय में देश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है ना, आपको कोटा के बच्चे आपने आपने यूपी में पहुंचा दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए ना। ठीक है, अपने अपने हित की सियासत है। शुक्रिया सतीश जी और चंद्रमोहन जी, आपका शुक्रिया। वीरेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किस तरफ घूम रही है।